फ्रेंड्स, मैं आई हूँ एक नया रेसिपी के साथ। तो चलिए मैं आज बनाऊंगी इजी तरीके से कैसे हम फूलगोभी का पराठा बना सकते। तो देखिए, मैंने एक फूलगोभी लिए। ये हम क्या करेंगे, छोटा छोटा हम फूल को काट लेते हैं। तो पहले हम फूल को निकाल देते हैं, ऐसे करके हम काट लेते हैं फूल को। तो देखिए, मैंने फूल को ऐसा करके काटती है, लेकिन इसी से भी हम छोटा छोटा करके हम काट लेते हैं। आप काट भी सकते हो, ऐसे छोटा छोटा हाथ से भी तोड़ के ले सकते हो। अरे जो डंडल है ना, हमारे डंडल हम नहीं देंगे, डंडल हम फेंक देंगे। जितना हो सकता उतना फेंक देते हैं। तो ऐसे हम छोटा छोटा काट लेते हैं। तो देखिए, गोभी को हम छोटा छोटा करके काट लिए, डंडल नहीं लिए। डंडल जितना हो सके हम इतना नहीं लिया डंडल, मतलब जितना हो सका हम इतना साइड कर दिया। ठीक है, तो जो फूल हमारा काट लिया, तो हमें पहले ले लेते हैं बाउल में। फिर हम अच्छी तरह से नमक और ठंडा पानी से आज हम धो के लेके आते हैं। तो देखिए, कभी मैंने धो लिया ठंडा पानी से और थोड़ा नमक से अच्छी तरह से मैं धो लिया। तो अभी मैं लेकर एक मिक्सर का जार और इसी में हम पूरा दे देते हैं, क्योंकि ये हमको करना है दर दर अदर। क्यों, कद्दूकस करने का हमारे पास टाइम नहीं, तो मिक्सर में पूरा दर दर अदर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दर दर अदर कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने दर दर अदर यानी मोटा मोटा पीस लिया गोभी को, क्योंकि कद्दूकस करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसा भी पराठा बना सकते हैं। तो चलिए मैं निकल देती हूँ थाली में, क्योंकि कद्दूकस करने में टाइम भी जाता है, लॉन्ग टाइम भी होता है, और इसी में हमारे पास जो टाइम नहीं, हमारा गोभी पराठा जल्दी बन भी जाएगा, हो भी जाएगा। हो गया ना इतना इजी, देखिए। और फिर से मैं मिक्सर का जार लिए, धोया नहीं, क्योंकि इसमें मुझे मसाला पीसना है। इसमें मैं ले रहूँ थोड़ी सी अदरक और ले रहूँ थोड़ी सी लहसुन, और इसमें ले रहूँ मैं साथ साथ हरी मिर्च। तो इस भी हम दर 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 पीस लेते हैं। तो ये भी मैं इसी में दे देती हूँ, जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च। तो चलिए, मैं इसी में दे रहूँ नमक, और दे रहूँ मैं हल्दी पाउडर, एक चम्मच जैसे धनिया का पाउडर, और हाफ चम्मच जैसे दे रहूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर, और इसी में दे रहूँ मैं थोड़ी सी गरम मसाला, और मैं इसी में दे रहूँ थोड़ी सी हींग। मैं अजवाइन नहीं दे रहूँ, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, मैं हींग दे अजवाइन में नहीं दूंगी। और मैं इसी में दूंगी थोड़ी सी आमचूर पाउडर, और इसी में मैं दूंगी धनिया पत्ती। तो अभी अच्छी तरह से अगर मिला लेती हूँ, मैं हाथ से मिलाऊंगी, क्योंकि आटा भी इसमें देना है। देखिए, पानी निकल के आ रहे, पानी निकल दे, देखिए कोई बात नहीं, सिर्फ हम आटा देना है ना, पानी निकलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मैं अच्छी तरह से मिला लिया, तो इसमें मैं दूंगी आटा। आटा अपना हिसाब से दीजिए, कम ज्यादा, बस इतने ही सही मुझे, इतने हम मिला लेते। पानी अभी नहीं दूंगी, पानी बाद में देती हूँ, अगर पहले मिला ले तो अच्छी तरह से। देखिए, इतना आटा हो गया, तो अभी मैं थोड़ी सी पानी दूंगी, पानी ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हो गया हमारे इतना नरम नरम। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी देते जाएंगे, भूनते जाएंगे। देखिए, आटा हमारा गून के हो गया, ये थोड़ा करा के मैं 5 मिनट तक कवर करके रख दूंगी। इसमें ऊपर से हम लगा लेते हैं थोड़ी सी तेल बघी, अच्छी तरह से गरम लगा लेते हैं, लगा के हम कवर करके 5 मिनट तक हम रख देते हैं। तो देखिए, आटा हमारा गून के हो गया, तो हम 5 मिनट जैसे कवर करके रख रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार अच्छी तरह एक बार हम गून लेते हैं आटा को। तो चलिए अभी बना लेते हैं, साइड कर लेते हूँ। तो चलिए, इसी में थोड़े से सूखा आटा लगा लेते हूँ। बेल लेते हूँ अभी। तो मैं इसी में दूंगी थोड़ी सी घी। अब घी, तेल, बटर कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन मैं घी दे रही हूँ। घी दे के अच्छी तरह से एक बार मोल लेती हूँ।
फिर हम गोल करके बेल लेंगे। हम फिर से थोड़े से आटा हम लगा लिए थे, अभी बेल लेते ठीक से। तो एक हम बना लिए, तो चलिए सेक लेते हैं इसको ना। पैन गरम हो गया तो मैं इसी में तेल घी कुछ भी नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही मैं पराठा को दे रही हूँ। तभी चेंज कर देते, पलटी कर देते, देखिए। तो मैं ऊपर से लगाऊंगी घी, ये फिर से चेंज कर देती हूँ। इस तरफ भी हम लगा लेते हैं घी। देखिए ऑल हमारा हो गया और बाद बाकी जो बात अभी धीरे धीरे ऐसे हम बना लेते हैं। तो चलिए ऑल हम निकल देते हैं। तो चलिए पराठा पूरा हमारा बन के रेडी है। फ्रेंड्स मेरा गोभी पराठा बन के रेडी है। फ्रेंड्स अगर आप लोग का भी रेसिपी अच्छा लगा प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो का साथ। ओके बाय बाय।